हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिद्धि टिप्स एंड माय सेल्फ मीनू राठौर। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ गाइस अमेजॉन हॉल में मैंने अमेजॉन से मंगाई थी कुछ ज्वेलरी, जिसमें है नेकलेस सेट और इयररिंग, और उन्हीं को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइस, अमेजॉन हॉल में मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ कुछ ज्वेलरी सेट, और इनको मैं आपको दिखाती हूँ। और देखने के बाद गाइस, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अमेजॉन हॉल में मैंने अमेजॉन से जो नेकलेस सेट मंगाए हैं उनको मैं आपको आज पहन के भी दिखाऊंगी, क्लोज से भी दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप जो एक ज़रूरी बात है वो ये है कि सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिया गया है उसे प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उसी के साथ एक नोटिफिकेशन बेल का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँच सकें। तो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मेरा सेट ये है जेनेमिका गोल्ड प्लेटेड और विद अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी सेट, नेकलेस सेट। ये देखिए, ये इस तरीके से निकलता है, और ये इसके छोटे छोटे ये इसके इयररिंग हैं फ्लावर्स की तरह, और इसमें ये इधर ये छोटे छोटे ये अमेरिकी डायमंड लगे हुए हैं, और इस पर गोल्ड प्लेटेड हो रखा है ये गोल्ड। इसमें डोरी डी होती हुई है छोटी और बड़ी करने के लिए। तो आप इसे गाइस अपने, जैसे किसी घर में छोटा मोटा कोई त्यौहार, कोई आपके यहाँ फंक्शन है, उस पर आप अपनी साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, छोटा सा है, बहुत प्रिटी लगता है, और मैं डाल के दिखाती हूँ आपको इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कितना अच्छा लगता है, और इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा भी नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल लगे। और इसके इयररिंग भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इसके इयररिंग भी साथ में कैरी कर लिए हैं, और ये सूट पर भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसे सूट पर भी आसानी से पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये आप स्किप कर आप नेकलेस खाली इयररिंग भी आप अपने कुर्ते पर भी आसानी से डाल सकते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है। तो चलिए, हाँ, तो फ्रेंड्स ये है सुखी एग्जोटिकेट की गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी विद कुंदन। ये कुंदन का सेट है, ये देखिए कुंदन और पर्ल, ये देखिए इनका कॉम्बिनेशन है, रेड कलर का है ये, और ये काफ़ी प्रिटी लगता है पहनने के बाद। इसमें ये छोटे छोटे कुंदन दिए हुए हैं, पीछे से भी देखिए काफ़ी फिनिशिंग है, चुभता भी नहीं है, और आराम से ये आपका ऐसे आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ये इसमें साथ में दो छोटे छोटे इयररिंग्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें विदाउट नेकलेस सिंपल भी अपना यूज कर सकते हैं कुर्ते के साथ या किसी सूट के साथ, और चाहे तो खाली इसको भी आप पहन सकते हैं। इसको आप अपनी रेड साड़ी के साथ, ग्रीन साड़ी, गोल्डन साड़ी के साथ आप पहन सकते हैं, काफ़ी प्रिटी लगेगा। और इसको चलिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बिल्कुल भी चुभता नहीं है, और आपके गले में बहुत अच्छा लगता है। आप किसी शादी में एज ए गेस्ट बन के जा रहे हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। और ये मैं पूरा सेट आपको पहन के दिखा रही हूँ, जो मेरी अगली ज्वेलरी है वो है साइनिंग डीवा की फैशन ज्वेलरी। ये ब्राइडल भी इसको यूज कर सकती है, काफ़ी हैवी ज्वेलरी है, या न्यूली मैरिड लेडीज़ होती हैं वो इसको यूज कर सकती हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह का ग्रीन रानी हार है ये, और ये हैं इसके टू हैवी इयररिंग्स, और ये भी गाइस आपके स्टोन वर्क में है, और ये छोटे पर्ल और ये बड़े ग्रीन पर्ल, और ये काफ़ी सुंदर लगता है। आप चाहें तो इनको डबल करके भी पहन सकते हैं। जो मेरा पहला ये सेट था, इसको आप गले से ये लग के, और फिर ये नीचे रानी हार की तरह नीचे, दोनों को कंबाइन करके भी पहन सकते हैं। चाहें तो ये रेड और ग्रीन इनको भी कंबाइन करके पहन सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको अभी पहन कर। ये देखिए,
अगर आप एक न्यूली मैरिड हैं या ब्राइड हैं तो भी आप दो सेट को मिला के आसानी से कैरी कर सकते हैं। और चाहे तो इयररिंग के साथ अगर आपने लहंगा पहना हुआ है तो आप इयररिंग के साथ पूरा सेट कैरी कर सकते हैं। अगर ये कितना सुंदर लगता है, आप किसी लहंगे या हैवी साड़ी पर अगर न्यूली मैरिड हैं तो आप पूरा सेट पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आप किसी शादी में एज ए गेस्ट बनकर जा रहे हैं और आपने गाउन पहना हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये रानी हार स्किप करके आप सिर्फ इयररिंग, हैवी इयररिंग्स डाल सकते हैं। या फिर अगर आप खाली रानी हार पहनना चाहते हैं तो आप इयररिंग भी स्किप कर सकते हैं। और ये जो हार है या गाइस, आप इसे अपने कुर्ता, अगर आपका कोई प्लेन कुर्ता है तो उस पर भी डाल सकते हैं। ये काफ़ी प्रिटी लगता है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स आप वीडियो में दिखाऊंगी जिसमें मैंने सिर्फ ये एक प्लेन कुर्ती पे डाला हुआ है और इससे काफ़ी अच्छा सा रॉयल लुक मिलता है। फ्रेंड्स इनकी जो MRP है वो मैं सारे सेट के साथ ही आपको शो कर दूंगी। वैसे जो ये वाला सेट है ये मैंने 800 का लिया था। इसमें ये मैंने इयररिंग और ये थे, और ये जो रेड वाला है ये मैंने 350 का लिया था जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था और काफ़ी प्रिटी लगता है। और जो ये लाइट वेट वाला जो ये ग्रीन है ये मैंने 300 के आसपास लिया था और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है और उसके साथ ही साथ काफ़ी अच्छे भी हैं। मेरी तरफ से थम्सअप है। फ्रेंड्स एक ये यू बेला के इयररिंग्स हैं, ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं। ये देखिए क्लोज से मैं आपको दिखाती हूँ, ये अमेरिकन डायमंड के ये इसमें छोटे छोटे से स्टोन लगे हुए हैं और ये भी गोल्ड प्लेटेड हैं। और ये किसी ड्रेस अगर आपने पहनी हुई है उस पर बहुत प्रिटी लगते हैं, कुर्ते पर भी आप पहन सकते हैं। और इनकी जो MRP थी, ये जो मुझे पड़े हैं ये 300 के पड़े हैं। और चलिए इनको भी मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। एक यूनिक स्टाइल के ये इयररिंग हैं, डिफरेंट तरीके के हैं, जो और कुंदन वगैरह के जो इयररिंग होते हैं उनसे डिफरेंट हैं। ड्रेस वगैरह पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें और भी 5-6 कलर, ब्लैक, ग्रीन वगैरह, इसमें काफ़ी कलर आते हैं। मैंने ये ब्लू कलर परचेज किया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज की मेरी सारी नेकलेस सेट्स और इयररिंग, और ये सब मैंने अमेजोन से ही परचेस किए हैं। अमेजोन काफ़ी अच्छी एक ऑनलाइन ऐप है। अगर आपको अच्छी लगी हो ये सारी ज्वेलरी, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ज्वेलरी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया कि आप इनको कैसे कैरी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।